I should go. चली जाऊं मैं. Yes, Prisha. Because भाई सही है. You know what, गलती हो गई मुझसे. And maybe the truth is that you're unlucky for me. जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, सब कुछ उल्टा सीधा ही हो गया. You know, you're like a bad phase of my life. So please, please go away. Please. Unlucky नहीं, stupid थी मैं, stupid. जो तुम जैसे आदमी पे मैंने trust किया, तुम इतने घटिया हो सकते हो? मैंने सोचा भी नहीं था. लेकिन आज मैंने realize कर लिया, मैंने कर लिया कि तुम कितने बेशरम हो. तुम क्या छोड़ोगे मुझे? हाँ, क्या छोड़ोगे मुझे? मैं छोड़ती हूँ तुम्हें. You know what? You can just go to hell. You can go to hell. Just go to hell. Great. You know, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब मैं अच्छे से दे देता अगर मैं पहले वाला अरमान ओबेरॉय होता तो. But now I've changed. पहले तो मैं बस कहता था, बट अब मैं मानता हूं कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं करता हूं. अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है, मैं थप्पड़ डिजर्व करता हूं, तो एक नहीं, तुम 100 थप्पड़ मार सकती हो मुझे. मैं कुछ नहीं कहूंगा. मैं ये समझ लूंगा कि तुमने और मैंने मिलकर जो गलतियां की हैं, ये थप्पड़ उसकी सजा है. बट मैं अब अपना स्टैंडिंग बदलूंगा. सो अगेन, प्लीज लीव. Oberoi, please. मेरे वजह से प्रिशा को मत जाने दीजिए. नो सौम्या, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से, अपने गिल्ट की वजह से, जो गलतियां मैंने की उसकी वजह से. मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं बस. सौम्या, मैं तुम्हें इस घर में आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा. बट यस, अब से मेरे घर में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह होनी चाहिए वो किसी और को नहीं मिलेगी. इट विल बी योर्स एंड ओनली योर्स. सौम्या, आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजंस एंड आई जस्ट वॉन्ट तुम मुझे माफ कर दो. प्लीज एक चांस दो मुझे. जस्ट गिव मी वन चांस. प्लीज सौम्या. आपको क्या लगता है मिस्टर ओबेरॉय, आप जो ये सब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं. आपके इंटेंशंस क्या है, आपके एजेंडाज क्या है? डू यू थिंक आई एम अ फूल? मुझे नहीं पता. मैं जानती हूं कि आपका कोई अटैचमेंट नहीं है मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ. यू फील नथिंग फॉर मी. आप हमेशा से सेल्फिश थे, हैं एंड आई गेस रहेंगे. आई नो, जो इंसान अपने पिता का हाथ छोड़ सकता है उनके सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, वो इंसान किसी का क्या होगा? पुलिस अरेस्ट करके जा रही थी और आपने अपने फादर से मुंह फेर लिया. जो इंसान अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? जो इंसान एक लड़की को छोड़ देता है बस एक मिनट में. प्रिशा, जो लड़की 5 साल तक आपके साथ रही उसे तक जाने दिया आपने एक झटके में. जो इंसान अपनी माँ का फायदा उठा सकता है, अपनी माँ के साथ इमोशनल छल कर सकता है, वो किसी का क्या होगा? उस इंसान के लिए तो हर कोई पराया है,
मैं जानती हूँ आप सब कुछ बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको उम्मीद है कि चैनल मुझे वो तीनों शोज देगा और आपको लगता है अगर मुझे सौम्या वापस मिल गई मेरी लाइफ में आ गई मेरी वाइफ बन गई देन आई विल बी अ पावरफुल पर्सन अगेन मेरा प्रोडक्शन हाउस संभल जाएगा मेरी पर्सनल लाइफ संभल जाएगी मेरी मीडिया इमेज ठीक हो जाएगी योर लाइफ विल बी सॉर्ट आप अपने बैंक के लोन्स पे कर सकते हैं राइट यही रीजन है ना इतना अफसोस मुझे कहाँ होता है यहाँ होता है कि आपको लगता है कि आज भी आप बड़े चार्मिंग हैं कि आप किसी भी लड़की को बेवकूफ बना सकते हैं बट अफसोस अरमान ना आप इतने चार्मिंग रहे हैं ना आपके पास नाम है ना पैसा है और मैं तो वो पुरानी वाली सौम्या बिल्कुल नहीं हूं आपके साथ लड़ते लड़ते मैं आपको बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आपके हर एक छल को अपने सिम्मी को यूज़ किया मुझे बर्बाद करने के लिए तो मैंने रिम्मी को यूज़ किया आपका गेम चेंज करने के लिए मतलब तुम्हें वो शोज मिल गए Just wait and watch. अब आपके पास बचा ही क्या ना फैमिली ना फ्रेंड्स प्रिशा थी लेकिन उसे भी आपने बच्चे नींद सुकून चैन वो तुम्हें शोज के साथ छीन ही लूंगी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.